sailor in. तो हम लोग पहुंच गए हैं ये लियासी मस्जिद के पास। एबटाबाद का बहुत मशहूर एक स्पॉट भी है, मस्जिद है, और यहाँ के पकोड़े बहुत ही ज्यादा मशहूर है। तो आज हम वो ट्राई करेंगे और आज आपको हमारी दूसरी एपिसोड में दिखाएंगे कि लियासी के पकोड़े कैसे हैं। जी, ये लियासी के पकोड़े आप इधर कितने अरसे से बैठे हुए हैं? एक साल हो गया। एक साल हो गया। अच्छा, तो पकोड़े किस तरह रुपए किलो हैं जी, और कौन कौन से हैं? ये आलू वाले पकोड़े 280 रुपए किलो है, ये प्याज वाले सेम रेट है। ठीक हो गया, 280 रुपए किलो के हिसाब से। आप मुझे 2 किलो एक जगह कर दें पैक और किलो एक जगह पैक कर दें। मिक्स नहीं, सिर्फ आलू वाले जी। ये ना पैसे आप। ये इस तरह इन्होंने जी यहाँ से पकोड़े वहाँ से पक के आते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर से आके यहाँ पे पकोड़े ये तोलते हैं, और उसके बाद ये पकोड़े ये बकाया पैसे आ गए जी। और ये इधर से आने के बाद इस तरह कागज़ में रख के इसको पैक कर दिया जाता है। ज़बरदस्त जी, गाड़ी में घर वालों को पकड़ा दिए पकोड़े, खुद हम लोग इधर आके बैठ गए हैं। ये पकोड़े हैं, ये तकी हसन है, और आज पहला रिव्यू हम तकी हसन से लेंगे। तकी हसन कैसा कैसा टेस्ट है? मजेदार। सच वाला बता, बाकी अच्छा? लें जी, तकी हसन ने इसे अप्रूव कर दिया है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लें जी, पकोड़ा मैंने खा लिया, बहुत मज़े का था, और काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है इसका, नॉर्मल पकोड़ों की तरह नहीं है। इसका टेस्ट थोड़ा सा ना एक डिफरेंट, जैसे रेसिपी होती है ना उस तरह का, बड़ा डिफरेंट टेस्ट है इनका। आलू आलू का टेस्ट ज़्यादा है, बेसन भी लगा हुआ है, मसाले भी काफ़ी अच्छे लगे हैं इस पर, अगर आप शायद देख सकें। और काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर ट्राई करें। 280 रुपये किलो ये हैं, और 280 रुपये किलो ही प्याज वाले हैं। सो इट्स अ थम्स अप फॉर मी, हमेशा से ही पसंद है मुझे, पर मैं फॉर द सेक ऑफ दिस फूड सीरीज़ आज बना रहा हूँ। और मैं एबटाबाद इसलिए आया क्योंकि मेरा ननिहाल इधर है। सो ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू, बिलेटेड ईद मुबारक, और खुश रहें, आबाद रहें, रब रखा।